अपडेट लेंगे आपसे। लखनऊ से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। यूपी गृह विभाग की नियुक्ति को लेकर ये बड़ी जानकारी। संजय प्रसाद फिर संभाल सकते हैं गृह विभाग की कमान। संजय प्रसाद को जल्द मिल सकती है फिर से जिम्मेदारी। दीपक कुमार को नियुक्त किया गया था एसीएस होम, चुनाव आयोग के निर्देश पर नियुक्त किया गया था दीपक कुमार को। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है, यूपी गृह विभाग की जिम्मेदारी एक बार फिर से संजय प्रसाद को मिल सकती है, यानी कि संजय प्रसाद फिर से गृह विभाग की कमान संभाल सकते हैं। हालांकि दीपक कुमार को नियुक्त किया गया था एसीएस होम और चुनाव आयोग के निर्देश पर दीपक कुमार को नियुक्त किया गया था, लेकिन इस बीच में ये बड़ी जानकारी मिल रही है संजय प्रसाद को एक बार फिर से गृह विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश की सरकार गृह विभाग का जो अधिकार है यानी कि जो अधिकारी हैं उन्हें बदला जा सकता है, तो दीपक कुमार की जगह संजय प्रसाद ये कमान संभाल सकते हैं। विनय हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। विनय, संजय प्रसाद एक बार फिर से कमान संभाल सकते हैं इस तरह की जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जब संजय प्रसाद को जब बनाया गया था गृह का जब विभाग दिया गया था तब से लेकर जब तक उन्होंने काम किया और काम उनका जो जिस तरह से काम कर रहे थे उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी खुश थे और चुनाव आयोग ने उस समय जो है जब उनको हटाया तो उसके बाद जो है दीपक जी को बनाया गया था। लेकिन अब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर विचार किया और जिस तरह से कार्य चल रहे थे, जिस तरह से कार्य में कमी आई है, कार्य में जो रुकावट हो रही है उसको लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं और फिर से उनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जिस तरह से काम चल रहा था उस काम को तेजी से कराने के लिए, जिस तरह से यूपी में जिस तरह से विकास कार्य चल रहे थे, जिस तरह से कार्यों की समीक्षा होती थी उन कार्यों को बड़ गति देने के लिए ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। सूत्रों की माने तो ये फैसला बकरीद के बाद लिया जा सकता है। जी चलिए ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 18 जून को वाराणसी